नमस्कार, मैं कोमल, स्वागत करती हूं आपका पंजाब केसरी .com में। अब वक्त हो गया है देश और दुनिया की तमाम पीस पड़ी खबरों का। जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्यों को वापस भेजने की तैयारी। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव 5 सीटों पर आज होगा हार जीत का फैसला। विधानसभा चुनाव 2021, भाजपा इसी हफ्ते जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली सूची, आज अहम बैठक। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का कार्यकाल बढ़ेगा, आज जारी हो सकती है अधिसूचना। महाकुंभ 2021 आज शाही अंदाज में निकलेगी निरंजनी अखाड़े की पेशवाई, हेलीकॉप्टर से होगी फूलों की बारिश। 20 और किसानों के खिलाफ लुकआउट नोटिस, 15 नई FIR, पुलिस को विदेश भागने की आशंका। डीजल की बड़ी कीमतों के कारण देश में 25% बड़ा माल भाड़ा। नेपाल के पूर्व PM भट्टाराई ने कहा कि चीन भी मित्र लेकिन भारत जैसी बात नहीं। चुनावी राज्यों में पंजीकरण कराने वाली पार्टियों को नोटिस, अवधि 30 दिन के बजाय अब 7 दिन। कोरोना वैक्सीन 22 दिन बाद मेडिकल छात्र की मौत, कोवैक्सीन की लगवाई थी खुराक। फास्टैग पेट्रोल डीजल और CNG भरवाने के साथ पार्किंग भी आसान। रैपिड रेल रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम से लैस होगी रैपिड रेल। भाजपा सांसद कौशल किशोर के बेटे को बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। पश्चिम बंगाल के कोयला घोटाले में CBI ने मारे UP MP में छापे। असम विधानसभा चुनाव 2021, पहले चरण के मतदान के लिए अधिसूचना जारी। पंचायत चुनावों से पहले योगी सरकार का फैसला, 18 IAS अफसरों का तबादला। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और उनकी पत्नी ने फीस देकर लगवाया COVID-19 के टीके की पहली डोज। हाथरस की घटना पर मुख्यमंत्री सख्त, अभियुक्तों के खिलाफ रासुका लगाने के निर्देश। दिल्ली दंगा पुलिस जांच पर सवाल, अदालत ने कहा 100 संदेह मिलकर साक्ष्य नहीं बन सकते। कोरोना इन उत्तराखंड, 70 नए संक्रमित मिले, 451 हुए एक्टिव केस की संख्या। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी .com।